इस प्रस्तावित मार्ग के बारे में मुझे यह अवगत कराना है कि इस संबंध में जिला प्रशासन को ना ही कोई सूचना दी गई थी, ना ही कोई अनुमति प्राप्त की गई थी। इसके बावजूद जनपदीय पुलिस द्वारा, लखनऊ पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं से निरंतर संपर्क किया गया, संवाद किया गया और प्रस्तावित जो रूट है उसके बारे में जो कठिनाइयां हैं उससे उनको अवगत कराया गया। जो प्रस्तावित रूट जो इस पैदल मार्च का था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कठिनाई हमें दिखाई दी वो ये था कि इस मार्ग पर हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति है उनके आवास है। इस प्रकार का जब मार्च होता है तो ये हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है असामाजिक तत्वों को उस मार्च की आड़ में वहाँ पर इन हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन की सुरक्षा में कुछ ना कुछ खतरा पैदा करे। दूसरी बात यह भी थी कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आम जनता का जो आवागमन है, आज सोमवार की सुबह थी, स्कूल कार्यालय कॉलेज इनकी वजह से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने दूसरा जो मार्ग प्रस्तावित किया था वो बंदरियाबाद से लाल बत्ती चौराहा, वहाँ से एनेक्सी होते हुए विधान भवन जा सकते थे। यदि गेट नंबर 1 से जाना था तो उसकी भी व्यवस्था थी, यदि गेट नंबर 7 पे जाना था तो उसकी भी व्यवस्था थी। तो ये पूर्णतया असत्य है, हमें विश्वास है कि हमारा अनुरोध जो है वो मानेंगे और ऐसी कोई असुविधा नहीं होगी जिसकी वजह से आम जनता को और दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर अनुरोध नहीं मानेंगे, कानून हाथ में कोई लेता है तो ऐसा नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास है।